सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, फाइनली गैलेक्सी नोट 8 कल अनाउंस हो गया है। कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करने को बहुत कोशिश करी, बट गाइस पता नहीं क्यों बार बार क्रैश हो जा रही थी, और पता नहीं मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही थी या पता नहीं कुछ हो रहा था। बट आफ्टर ऑल आज हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी नोट 8 के बारे में। हालांकि हमें स्पेसिफिकेशन के बारे में तो एक महीने से पहले से ही पता था, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप चाहते तो मैं उसको लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट गाइस आज हम बात करेंगे ऐसे पांच चीज़ों के बारे में जो कि आपको गैलेक्सी नोट 8 के अंदर बहुत बढ़िया मिलती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप राइट इनटू इट। स्टार्टिंग ऑफ दिस शो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो गैलेक्सी नोट 8 है और गैलेक्सी नोट 7 था, उसकी वजह से जो गैलेक्सी नोट 8 की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है। और जो गैलेक्सी नोट 7 था वो अराउंड $800 के मार्केट में आया था। बट गाइज अब जो अनाउंस हुआ है प्राइस, और सितंबर 15 से जो प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट होगी उसके अंदर प्राइस बताया गया है कि अब जो गैलेक्सी नोट 8 है वो होने वाला है $1000 से स्टार्ट। सो गाइज $1000 बहुत एक ह्यूज अमाउंट है अगर आप एक फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, और ये कम्पीट करने वाला है मेरे को पूरा का पूरा पता है आईफोन 8 से। तो इसलिए एप्पल के भी प्राइसिंग जो है इस बार $1100 या $1000 के करीब करीब होंगे। सो गाइस अब सबसे पहले बात करते हैं जो फ़ोन की बेहतरीन चीज़ है, वो है इसकी 6.3 इंच की सुपर एमोलेड क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले। यस गाइस, ये बेस्ट डिस्प्ले है अभी तक की जो सैमसंग ने किसी भी स्मार्टफोन में, फ्लैगशिप स्मार्टफोन में प्रोड्यूस की है। एंड गाइस मुझे पता है कि S8 प्लस की वॉज बेस्ट डिस्प्ले, बट अब जो इसके अंदर थोड़ी बहुत एनहांसमेंट है वो थोड़ी बहुत इसके अंदर और देखने को मिल जाएंगी। बट आपको पता ही है कि सैमसंग की डिस्प्लेस कितनी अच्छी होती हैं। सो गाइस डिस्प्ले के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज है उधर की साइड हमारे को। बट गाइस अगर मैं अभी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको इधर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, 6GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, एस पेन है इसके अंदर, साथ ही साथ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, USB टाइप सी पोर्ट है, साथ साथ सबसे बड़ी बात हेडफोन जैक है इस फोन के अंदर। सो गाइस आप, और जो सबसे एक और बड़ी बात जो लगती है लोगों के लिए वो है इसके अंदर एक्सपेंडेबल स्टोरेज। सो गाइस एक्सपेंडेबल स्टोरेज मस्ट फॉर all of us because we can just pop up our micro SD card and we can expand our storage. So guys वो बहुत बढ़िया बात है अगर हमारे पास expandable storage इस फ़ोन के अंदर मौजूद है। एंड गाइज अगर मैं उस तरफ बात करूँ इस फ़ोन की एक नई और चीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा हाइप हो रही है, इसका कैमरा। यस गाइज कैमरा की साइड अगर हम बात करें तो इधर आप पीछे की साइड देखने को मिल जाएंगे ड्यूल कैमरा। और ड्यूल कैमरा का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर वन प्लस फाइव है उस तरीके का कैमरा। गाइज जो इसका जो सिस्टम वर्क करा गया है इसके ऊपर बहुत बेहतरीन करा गया है, क्योंकि इस तरह आपको एक जो लेंस मिलती है वाइड एंगल लेंस है, और एक जो लेंस मिलती है टेलीफोटो लेंस है। सो गाइस जो टेलीफोटो लेंस है वो 2x तक ऑप्टिकल जूम हो सकती है। सो गाइस अब क्या होता है, जो इस कैमरा का सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर था वो था कि जैसे को पता हो जब आईफोन 7 प्लस रिलीज हुआ था तो उसके अंदर बोके मोड था जो कि था पोर्ट्रेट मोड, साथ साथ वन प्लस फाइव के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड आया। बट गाइस जो सैमसंग का ये पोर्ट्रेट मोड है इट्स ऑसम गाइस, लाइव फोकस आपको इसके अंदर एक कैमरा के ऑप्शन मिलता है, अगर आप उसके अंदर टर्न ऑन कर लेते हैं तो जो आपका कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस पर शिफ्ट हो जाएगा और 2x जूम कर देगा, और जो बैकग्राउंड है वो पूरा पूरा ब्लर्ड आउट हो जाएगा। और गाइस जो ब्लर इफेक्ट है आप उसको अपने आप से सेट आउट भी कर सकते हैं अगर आपको पूरा का पूरा ब्लर नहीं चाहिए और पूरा पूरा ब्लर चाहिए, और अगर आपको इमेज पर चाहिए। सो गाइस वो सबको आपको ऑप्शन मिल। सो गाइस कैमरा बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर बन रहा है इस फोन का। साथ साथ इस फोन के अंदर जो मैंने आपको बताया कैमरा के अंदर सबसे पहली बात तो ये भी आती है कि इसके अंदर आपको दोनों ही लेंसेज के अंदर OIS मिलता है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सो गाइस अगर जैसे कि आपको बताया कि आज तक कोई सा भी ऐसा कैमरा नहीं आया जिसके अंदर दोनों लेंसेज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो, तो इस वजह से ये जो फ़ोन है बहुत पॉप आउट हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि दोनों में अगर आपको OIS मिलता है तो जो आपकी वीडियोस एंड फोटोज़ होंगी वो बिल्कुल भी शेकी एंड ब्लरी नहीं होंगे अगर आप उसे लो लाइट कंडीशंस में अगर क्लिक करते हैं। हमेशा सैमसंग एक जो इनोवेटिव थिंग्स तो लाता ही है। अब मैं बात करता हूँ सैमसंग की बिक्सबी की। सो ये सैमसंग ने एप्पल सीरी एंड ऑल दैट कॉपी करके सैमसंग की अपनी एक वॉइस असिस्टेंट बनाई जो कि सैमसंग बिक्सबी। S8 के साथ वो डेब्यू हुई, और डेब्यू के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे फ्लॉज थे जो बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेटेड आपको एक बिक्सबी का बटन मिलता है S8 के अंदर, वही बटन आपको नोट 8 के अंदर मिलता है। बट गाइस अब जो बिक्सबी इस बार अपडेट हुई है उसके अंदर आपको 200 मार्केट्स के अंदर तो बिक्सबी मौजूद है ही, साथ साथ बिक्सबी आपकी वॉइस कमांड्स के ऊपर बहुत कुछ कर सकती है। अगर मान लीजिए आप गाइस जो आपके फोल्डर्स हैं वो भी वो मूव कर सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं बिक्सबी मूव बाय दिस फोल्डर टू दिस फाइल, एंड वो सारा काम कर देंगे। साथ साथ अगर गाइस आप बिक्सबी को बोलते हैं गुड नाइट तो वो आपका जो फोन है उसके अंदर DND एक्टिवेट कर देगी, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर देगी, साथ साथ जो आपकी ब्लू लाइट फिल्टर है वो भी ऑन हो जाएगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ अब है जो नोट का बेसिकली सबसे बड़ा फीचर होता है वो है उसका एस पेन। सो गाइस नोट 8 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको सिंपली एस पेन आप उसे पॉप आउट कर सकते हैं और आप सिंपली अपने स्टार्ट कर सकते हैं राइट करना अपने डिस्प्ले के ऊपर,
और वो राइट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको डिस्प्ले जो होगी आपकी वो बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी, तो आपकी उसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं जाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि जिप्स बना सकते हैं आप, लाइव जिप्स, आप कुछ भी लिखिए लाइक हैप्पी बर्थडे एंड उसकी लाइव जिप्स क्रिएट हो जाएगी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ इज प्रेजेंट इन द न्यू एस पेन। सो गाइस बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं नोट के अंदर, और सबसे बड़ा मेरे को जो फीचर इसका बेस्ट लग रहा है वो है इसकी 6.3 इंच की क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले, क्योंकि उसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और गाइस जो 6.3 इंच की डिस्प्ले 18:9 रेशियो की है, तो आपको डायगोनली जो फोन है वो लंबा तो होगा लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत आराम से होल्ड हो पाएगा। बट गाइस अगर मैं एक बात करूँ इसकी मेजर ग्राइप की, वो अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रही, वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर गाइस बहुत ऊपर की साइड में, अगर आपके छोटे हाथ है, जैसे मेरे भी ज़्यादा बड़े हाथ नहीं है, तो मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ तक पहुँचने के अंदर। और अगर आप लोग के भी लाइक मीडियम साइज हैंड है, अगर आप लोग टॉल हैं तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मीडियम साइज ह्यूमन है जैसे कि मैं, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दिक्कत होगी और मेरे को खुद होगी, मुझे खुद पता है, क्योंकि मैंने जब S8 प्लस इस्तेमाल करा था तो मेरे को S8 प्लस के में भी जाने में दिक्कत हो रही थी। और हालांकि ये तो बहुत आम सी बात है, नोट 8 के अंदर भी हमारे को ये होने वाली है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, मैं बताना चाहता था आपको ऐसे पांच चीज़ें, और शायद पांच से ज़्यादा ही बता दी होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, कि नोट 8 कितना अच्छा है और स्पेसिफिकेशन वाइज सब कुछ अच्छे हैं उसके अंदर। और अगर आपको कोई सा भी लाइक क्वेरी है अपने दिमाग के अंदर तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गैलेक्सी नोट 8 वर्सेज आईफोन 8, so hyped for that and I'll catch you guys in the next video. Till the time, rest.